नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ऑल इन न्यू नेशन में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रैलियों का दौर शुरू हो गया है, जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है, और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो वहां की जनता को प्रभावित करने का काम करेंगे, या यूं कहें कि पूरे देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बिहार की राजनीति का जो प्रभाव था, उसका प्रभाव साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रैलियां शुरू हो गई हैं, अमित शाह ने भी रैली की, ममता बनर्जी ने भी रैली की, लेकिन जो बड़ी खबर है वो है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल पर बयान दिया है अपना, जो बयान वाजिब है और जिस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आयु कहें कि विश्लेषण की जरूरत है कि आखिर में पश्चिम बंगाल पे ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, या ममता बनर्जी पे ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि ममता बनर्जी आतंकवादियों के घुसपैठ का समर्थन कर रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों का घुसपैठ हो रहा है और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में माहौल बिगड़ रहा है, या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, और धर्म विशेष को बढ़ावा देने के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस और वहां की जो भी एजेंसियां हैं उनके इशारे पे काम कर रही हैं और घुसपैठ तेजी के साथ हो रहा है। बढ़ते हैं पूरी खबर की ओर, आप बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या आरोप लगाया और ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है, या ममता बनर्जी क्या तांडव कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी काफी वक्त है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो गई है। बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि बंगाल में आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं। दिलीप घोष ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य को वेस्ट बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। क्या सच में वेस्ट बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है? तो इसका जवाब है कि ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें रोहिंग्याओं को शरण दिया गया है पश्चिम बंगाल में, और खासतौर से ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी का जिस तरीके से विरोध किया, इससे भी साफ तौर पर जाहिर होता है कि ममता बनर्जी ऐसे लोगों को अपने देश का नागरिक बनाना अपने देश का नागरिक बनाना चाहती है जो पड़ोसी मुल्क से आए हैं। और पड़ोसी मुल्क से आने वाले लोगों में भी वो कौन है जिनको ममता बनर्जी अपने प्रदेश में नागरिक बनाना चाहती हैं? तो वो है साफ तौर पे रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या मुसलमान विरोध क्यों होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर विरोध क्यों होता है? आपके पास लगातार ये खबरें आ रही होंगी कि फ्रांस में कुछ कट्टरपंथियों ने हत्याएं कर दी, सिर्फ इस मामले में कि फ्रांस में लोगों ने बनाया एक ऐसा कार्टून बनाया जो पैगंबर साहब के उनके यानी कि देवता के, यूं कह लें कि उनके धर्मगुरु के जो भी हैं, उनका कार्टून बनाया गया और उसको उदाहरण दिया गया व्यक्ति के आज़ादी के नाम पे। उसके बाद वहाँ पे गले काट दिए गए, और गले काटने वाले कौन हैं तो हम आपको बता दें कि वहाँ के शरणार्थी ही हैं जो बाहर से शरण लेकर आए, यानी कि मुसलमान वहाँ पे शरण लिया मुसलमानों ने। मैं नाम ले रहा हूँ खासतौर से, क्योंकि फैक्ट पर मैं बात करूँगा, इशारों पर बात करने से पूरी बात पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको बता दें कि साफ तौर पे न्यूज़पेपर्स में निकल रहा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने एक समय पर, या यूं कहें कि लगातार, बहुत सारे मुस्लिम शरणार्थियों को जगह दिया। अब बात मुस्लिम शरणार्थियों की नहीं है, बात शरणार्थी की है कि अगर आप पड़ोसी मुल्क के शरणार्थी आते हैं और आपकी विचारधारा या आपके राष्ट्र की वैचारिक जो सोच है उससे उनकी सोच नहीं मिलती है, तो टकराव होगा, और यूं कहें कि वह मनुष्यता या जो भी आपकी अस्मिता पे, आपकी संस्कृति पे चोट पहुंच सकता है, उस पर आघात हो सकता है। और वही चीज़ देखने को मिला फ्रांस में। आज वहां का राष्ट्रपति विवश हो गया है इन इस्लामिक कंट्रीज से, और यूं कहें कि अपने ही देश में जिनको संरक्षण दिया अपने देश में रहने के लिए, उनसे विवश हो गया। फ्रांस का उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है, या यूं कहें कि हैदराबाद में भी ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों का नाम आया है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, रोहिंग्याओं का बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया हैदराबाद में, और उन लोगों के आधार कार्ड बनवाए गए, उन लोगों को स्कूलों में बसाया गया।
नाम लिखाया गया स्कूलों को, उनको इलाज कराने के लिए और भी जितने जरूरी दस्तावेज थे वो फर्जी कागज बनवाए गए। वही हाल पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में खुल के एनआरसी और सीए का समर्थन किया, विरोध किया उसका, ताकि एनआरसी सीए ना आए। तो यूं कहें कि ममता बनर्जी एक तरीके से समर्थन कर रही हैं रोहिंग्याओं का, या ऐसे लोगों का जो पड़ोसी मुल्क में बहुसंख्यक हैं, जो खुद पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पर कहर ढा रहे हैं, वो गरीब हैं, वो आके यहाँ पे शरण ले रहे हैं, इसलिए उनको संरक्षण दिया जा रहा है। क्या बंगाल की संस्कृति अपनी संस्कृति रह जाएगी? आप सोचिए, 4 मिनट आप विचार कीजिए कि बंगाल की संस्कृति, जो ऐतिहासिक संस्कृति रही है, जो बंगाल की संस्कृति रही, बांग्ला संस्कृति, वो अभी भी आधे से अधिक प्रभावित हो गई है। लगभग वहां पे मामला हो गया है बराबर बराबर का, क्योंकि कुछ भी हो, जब बाहर का कल्चर आता है तो उसमें टकरार होता है, और ख़ास तौर से उन कट्टरपंथी, और यूं कहें कि जो सोच जिनका इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देना कहां तक सही है, कहां तक वाजिब है। इसी मुद्दे पे दिलीप घोष ने जो अपना प्रश्न उठाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे नेता दिल्ली से बंगाल आते हैं तो ममता बनर्जी को डर लगता है। जब बापू गुजरात आते थे तो आप उनका सम्मान करते थे, लेकिन जब पीएम मोदी अमित शाह उसी स्थान से आते हैं तो उनसे क्यों डरते हैं? यानी कि ममता बनर्जी को डर लगता है बीजेपी से, ममता बनर्जी को डर लगता है मोदी से, ममता बनर्जी को डर लगता है अमित शाह से। आखिर अमित शाह मोदी क्या पाकिस्तान से आते हैं या क्या चीन से आते हैं जो ममता बनर्जी को डर लगता है? अरे, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुना है, 18 सांसद पश्चिम बंगाल में हैं बीजेपी के, तो बीजेपी अगर वहां पे आती है, प्रमुख पार्टी है वहां की, तो ममता बनर्जी क्यों डर लगता है? ममता बनर्जी ने दिलीप घोष की गाड़ियों पे हमला करवाया, ममता बनर्जी के पार्टी के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, ये सारे आरोप बीजेपी के हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी दिलीप घोष की ओर से इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बंगाल को दूसरा कश्मीर बताया था, कश्मीर दूसरा कश्मीर, जहां पे आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है, हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। दिलीप घोष लगातार ममता बनर्जी पर आक्रामक हैं और हमला कर रहे हैं। बीते दिनों बीरभूम जिले से के सूरी में दिलीप घोष की रैली में कुछ लोगों ने हमला किया था। गौरतलब है कि बीजेपी से अभी से ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और ममता सरकार को घेरा जा रहा है। दिलीप घोष लगातार अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र की ओर से भी मंत्री और बड़े नेता बंगाल जा रहे हैं। शुक्रवार को ही टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया। कयास लगाए जा रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ जा सकते हैं। बीजेपी में मिहिर गोस्वामी आ चुके हैं, आज सुबह ही ये खबर आई है। कुल मिला के बंगाल का चुनाव माहौल पकड़ चुका है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ, हम चुनावी विश्लेषण करते रहेंगे, आपको पूरी खबर समय के साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।